हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आई सिंधी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम ज्योग्राफी के जो घटना चक्र सीरीज चल रही है उसके अंदर पढ़ते हैं जलवायु, और जलवायु के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ते हैं मानसून। ठीक है, आपको पता है कि भारत के लिए मानसून का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीय कृषि के लिए और भारत के विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों के लिए जलवायु मानसून का बहुत ही बड़ा योगदान है। उसमें चलते हैं, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो प्री के हिसाब से ज़रूरी है उसको गैदर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है। ये सीधे UPSC में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सॉरी और अन्य राज्यों में पूछा जा चुका है कि अरबी भाषा के ये मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो याद रखिए, मौसम शब्द से हुई है और ये अरबी भाषा का शब्द है। देखिए, मानसून का तात्पर्य सीधा सा क्या है, ये वायु की दशाओं के जो परिवर्तन से है। कैसे, ये मान लीजिए विषुवत रेखा है, ये आपका भारत है, 6 महीने वायु ऐसे चलती हैं और 6 महीने ऐसे चलती हैं। तो ये भारत जो वायु का दिशा में परिवर्तन होता है, एक बार ऐसे जा रही है, एक बार ऐसे जा रही हैं, इसी से मानसून का निर्माण होता है। और दक्षिण एशिया यानी कि पूरे आपके सारे कंट्रीज और दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि पूरे आपके आसियान कंट्रीज, यहाँ जो है अधिकतर बारिश देखी जाती है मानसून के माध्यम से। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये हवाएं ऐसे बदल क्यों जाती हैं, तो इसके पीछे देखिए कारण है कि जब सूर्य जो उत्तरायण होता है तो यहाँ तापमान अधिक होता है, और यहाँ पर जो है तापमान अधिक होने के कारण जो वायु दाब है वो होता है कम, और यहाँ वायु दाब होता है अधिक। तो हवाओं का सीधा सा नियम है, अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती हैं, हवाएँ ऐसे चलने लगती हैं। और यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे भी आएंगे कोरियालिस फोर्स के माध्यम से ये हवाएं अपने दाएं मुड़ जाती हैं और ये तट के सहारे ऐसे चलती हैं और पूरे भारत में विभिन्न समय काल में वर्षा करती हैं, जिसका समय माना जाता है मुख्यतः 1 जून से आगे तक। और जब ये यहाँ पर तापमान कम होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है, तापमान यहाँ ज़्यादा होता है, वायु दाब यहाँ ज़्यादा होता है, तो हवाएं ऐसे चलती हैं। इसे कहते हैं मानसून का निवर्तन, यानी मानसून लौट रहा है, जिसके माध्यम से भारत में मेनली वर्षा तमिलनाडु में होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन देखते हैं। सॉरी दोस्तों, इस पर हम देखें और इन्फॉर्मेशन क्या है कि ये देखिए, जो भारत में कुल वर्षा होती है 92% आपके दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब इसको दक्षिण पश्चिम क्यों कहते हैं, देखिए ये विषुवत रेखा है और ये मान लीजिए भारत है, हवा ऐसे मान लीजिए चल रही है, ऐसे हवा चली, ये क्या है आपका दक्षिण और ये पश्चिम, यहाँ से हवा चली और ये हवा, तो इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इसे क्या कहते हैं, जब हवा ऐसे चलती है इसे कहते हैं उत्तर और पूरब की ओर से चल रही, उत्तर पूर्वी जब लौटता है। तो देखते हैं, ये देखिए आपको ये मैप है, थोड़ा देख लीजिए, 1 जून को केरल के तट पर सबसे पहले वर्षा होती है, यहाँ पर पहुँचता है सबसे पहले मानसून, और 1 जून को ही पहुंचता है आपकी यहाँ पर मेघालय शिलांग के आसपास, ये देखिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे 5 जून को यहाँ, 10 जून को यहाँ, 15 जुलाई को यहाँ, ये ऐसे ऐसे पहुंचता है। और ये दूसरी शाखा है, ऐसे चलती है ना, दो शाखाएं पवन की, मानसूनी पवन ऐसे चलती हैं। तो ये दूसरी शाखा है, देखिए सबसे पहले यहाँ, फिर 5 जून को यहाँ, इसके बाद ऐसे ऐसे करके चलती है और यहाँ पर दोनों शाखाएँ कहीं आके मिल जाती हैं। तो देखिए, आप अक्सर आप सुने होंगे कि उत्तराखंड में या कहीं बादल फट गया, तो कहीं कई बार इसका भी एक रीजन है कि दोनों में मिल जाती, भीषण वर्षा करती हैं। चलते हैं इसमें और कुछ जानकारी, देखिए कुछ ऐसी जानकारी नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। ये देखिए, जो इसमें आप ITC जड़ देख रहे हैं ना, लिखा ITC जड़, ये कुछ नहीं होता, जीरो अंश विषुवत रेखा है, 5 अंश उत्तरी, 5 अंश दक्षिणी, ये छांस की एक पट्टी बनती है, इसे कहते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्र। और इसे कह सकते हैं ITC जड़, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान होता है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं हमेशा लंबवत गिरती हैं। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो ये पेटी भी खिसक जाती है, मान लीजिए पहले यहाँ पर है तो ये पेटी का खिसकाव उत्तर की ओर होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है तो इसका खिसकाव दक्षिण की ओर होता है, जिसके कारण तापमान बढ़ता है और दाब में कमी आती है। चलिए देखते हैं इसको, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें इसमें बता देता हूँ आपको मैं, कि मानसून
का माना जाता है कि कई इसमें व्याख्याएं निकल कर आते हैं कि मानसून वर्षा, जो मानसून है भारत का, ये पहली बना हुआ है एक तरह से। अभी भी इसमें शोध चल रहे हैं, पहले एक व्याख्या थी केवल ताप आधारित, अब इसकी कई नई व्याख्या आ गई हैं। इसमें आपको नहीं जाना है, ये सब मेंस की बातें हैं, खासकर ऑप्शनल की बातें हैं, इसलिए हमको मेनली पीटी ओरिएंटेड चीज़ें देखनी हैं। यहाँ पर ये देखिए, मानसून का विच्छेद, ब्रेक इन मानसून, कह रहा है कि जब मानसून पौने 2 सप्ताह या इससे अधिक अवधि के लिए वर्षा करने पर असफल रहती हैं, तो वर्षा काल में शुष्क दौर आ जाता है, इसे मानसून का विच्छेद कहते हैं। जैसे कई बार सुने होंगे आप कि मानसून इस बार लेट है, और इस तारीख को मानसून इस स्थान पर पहुंचना चाहिए और नहीं पहुंचा। अगर यदि ऐसी घटना 2 सप्ताह तक देखी जाती है, यानी 2 सप्ताह मानसून लेट हो जाता है, तो उसे कहते हैं कि मानसून का विच्छेद हो गया, ब्रेक इन मानसून। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना, भारत में आईटी से जड़ की अवस्थित में परिवर्तन आना। सीधी सी बात है, यदि कुछ मानसून में विसंगति उत्पन्न हो रही है, तो इसके पीछे उसके जो कारक हैं, वो कारक है आईटी सी जड़ और उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उनमें कोई ना कोई चेंज आ रहा है, तो इसीलिए वो मानसून का विच्छेद होता है। ठीक है, मानसून का प्रत्यावर्तन, रिट्रीट ऑफ मानसून, मैंने आपको बताया कि जब पवन लौटने लगते हैं उसे कहते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून। ये 1 सितंबर से घटना शुरू होती है। चलते हैं, इसमें कुछ नहीं है, हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको कवर करते हैं, मैंने बेसिक चीज़ बता दी है। अब इसके आधारित कुछ फैक्ट हैं जो पूरी तरह से डिस्कस नहीं कर सकते, वो हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखते हैं। कह रहा है कि मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, देखिए सीधा सा क्वेश्चन आ गया, जब जो जिसको हमने सबसे पहले डिस्कस किया था, आंसर है अरबी भाषा से। सॉरी, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही बात है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये भी सही बात है। कैसे? क्योंकि जो हिमालय नहीं होता, ये तो यह जो हवा पहुंच रही है यहाँ से, तो ये टकराती नहीं, वर्षा नहीं होती। दूसरी बात, जो साइबेरियन क्षेत्र है, यहाँ से जो ठंडी हवा आती तो मानसून में विसंगति उत्पन्न कर देती है, इसलिए देखा जाए तो ए भी सही है और आर भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, आंसर हो जाएगा इसका ए। देखिए इसमें जो अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप चाहें तो स्किप कर दीजिए, या चाहे तो मैं समझा देता हूँ। ये यूपीएससी में पहले क्वेश्चन ऐसे आते थे। ये जो दिया गया है, इसमें पूछता है कि भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए, दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि ये किसके वितरण में, किस संदर्भ में है, मतलब किस चीज़ के वितरण इसमें दिखा रहा है। इसमें ये नहीं कह रहा कि वर्षा के वितरण है, किसका वितरण है। तो देखिए ये जो चीज़ें दिखा रहा है ना, 27 से ज़्यादा, 25 से 27, 1, 2, 3, 4, ये चीज़ आपको बस इतना समझ लीजिए, ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि यहाँ पर इतना ताप है, यहाँ पर ताप ज़्यादा है। देखिए एक में दिखा 27 से ऊपर, तो यहाँ तापमान और ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे आईटी से जो बढ़ता है ना धीरे धीरे, ऐसे तो तापमान यहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर है 0 अंश विषुवत रेखा और 8 अंश के आसपास है आपका केरल। ठीक है, इसमें ज़्यादा मत परेशान होइए, आंसर इसका डी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है। कह रहा है कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी तरह की है, एकदम सही है, ट्रॉपिकल मानसून जलवायु अपना रहे हैं। तर्क कह रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय छांसों के बीच अवस्थित है, इसलिए है इसकी जलवायु। देखिए जो ये दूसरा कथन है ना, गलत है। भारत का विस्तार देखिए, 8 अंश से लगभग आपने पढ़ा है, 32-33 अंश के आसपास, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय माना जाता है कर्क रेखा तक माना जाता है, और दक्षिण में मकर रेखा तक। इसकी आधार से देखा जाए तो ये आंसर, आपका तर्क जो है गलत है, और इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। तो इसके लिए देखा, ए सही है और आर गलत है, आंसर होगा इसका बी, केवल ए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य मानसून आगमन सबसे पहले होता है, मैंने आपको बताया केरल में, आंसर डी। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा है, ग्रीष्मकालीन मानसून, याद रखिएगा शीतकालीन मानसून नहीं कह रहा, तो इसके प्रवाह की समान दिशा कौन सी है, याद कीजिए, दक्षिण से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। देखिए दक्षिण ये पश्चिम है, ये उत्तर और पूर्व है, ये पूरा
मानसून का नाम है दक्षिण पश्चिम, लेकिन ये पूरब कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर। आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर के वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको जो बताया है उसी को इलेबोरेट कर दिया गया है कि यहाँ पर क्या है, तापमान ज़्यादा है, दाब कम है, दाब यहाँ पर ज़्यादा है, इस कारण से दाब ज़्यादा से कम दाब की ओर हवा जाती है, ये लिखा वायु का कर्षण ड्रॉज, तो इसे क्या कहेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा बी। IAS 1996 का क्वेश्चन है। चलते हैं, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अब नहीं आते हैं, पहले आते थे UPSC में वो भी। जो 9th क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे सूखा स्थान है। देखिए ये याद कर लीजिए, इसके अपने भौगोलिक कारण भी है। लेह सबसे सूखा स्थान है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पर लगभग पड़ता है और यहाँ जो है पौने नहीं पहुँच पाती हैं, वर्षा बहुत कम होती है, यानी सबसे सूखा स्थल है भारत का लेह। आप इसमें अगर ये दिल्ली से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मुंबई बंगलुरु में तो खूब बारिश होती है, दिल्ली में भी कम होती है, लेकिन लेह सबसे सूखा स्थल है। एक क्वेश्चन IAS का है कि भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के द्वारा के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। देखिए जनवरी की समताप रेखा का मतलब क्या है, ये देखिए भारत है आपका, 1 जून यहाँ पहुँचती है, फिर ऐसे ऐसे ये जो पहुँचती हैं, ये आप पढ़ेंगे जब जलवायु में, खासकर मेंस में, क्योंकि IAS ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, पीछे नहीं देता है। तो ये जनवरी की जो समताप रेखाएं बनती हैं ऐसे समुद्र से, ये बनती हैं 18 सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है ना। जनवरी में तापमान ज़्यादा नहीं रहता है, 18 सेंटीग्रेड के आसपास बनता है। तो भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने का आधार 18 सेंटीग्रेड रेखा मानी गई है, यानी कि जो भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और जैसे ही उपोष्ण में पहुंचे यानी उष्ण से कम ठंड गर्म, तो उसके विभाजन का आधार है 18 सेंटीग्रेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए फिर से ये कहीं ना कहीं UPSC क्वेश्चन है, इसमें बता पूछा गया है कि छायांकित क्षेत्र जुलाई माह के लिए मध्य तापमान परिवर्तित होता है। इसमें बताना है कि जुलाई माह यानी जून में जब आपका मानसून शुरू हो जाता है, तो जुलाई में जो ये रेखांकित क्षेत्र है इसमें कितना तापमान होता होगा ये बताना है आपको। देखिए क्वेश्चन सब टफ क्वेश्चन है और बहुत ही मोर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहले UPSC में ऐसे क्वेश्चन आते थे, अब UPSC ने भी ऐसे क्वेश्चन देना बंद कर दिया है, क्योंकि सब चीज़ें ऑप्शनल में ज़्यादा डिटेल से पढ़ाई जाती हैं और लोग पढ़ते भी हैं। देखिए इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर जो तापमान होता है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो छायांकित क्षेत्र दिया गया है, आंसर इसका बी होगा। इसमें परेशान नहीं होना है, ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। भारत किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। सबसे पहले आप जान लीजिए तापांतर है क्या, और उसमें भी दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर से तात्पर्य है कि दिन में तापमान खूब आ रहा है, लेकिन रात में क्या हो रहा है, इसका जो है परावर्तन हो जा रहा है तापमान का। कैसे, मैंने आपको बताया था पार्थिव विकिरण और सन रेडिएशन, तो इसके माध्यम से तापमान का जो वो हो जा रहा है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में निष्कर्षण हो जा रहा है। तो दिन में तो तापमान अधिक रहता है, रात में तापमान एकदम कम हो जाता है। ये दशाएं पाई जाती हैं आपके राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्रों में। क्यों, देखिए ये दिया आंसर, इसमें आंसर इसका डी होगा, क्योंकि राजस्थान में देखिएगा अधिकतर जो है वो है रेगिस्तान है, तो दिन में तो तापमान का बहुत अवशोषण करता है और उतनी तेजी से उसका निष्कासन भी कर देता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए इसका आंसर होगा राजस्थान, यानी रात में वहाँ ठंडा रहता है, दिन में अधिक बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। ये देखिए इसको देख लीजिए, वही चीज़ लिखी है। जो 13वां नंबर क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से है। तमिलनाडु की बात कर रहा है, मैंने आपसे क्या कहा, जब मानसून आता है जून जुलाई में, उसे तमिलनाडु को वर्षा नहीं मिलती है। कारण, ये भारत है, ये तमिलनाडु है, ये मानसून की हवाएं हैं, यहाँ समानांतर देखे जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये हवा ऐसे मुड़ जाती है और यहाँ पर पर्वती पाए जाते हैं, इनसे टकराकर वर्षा बहुत ज़्यादा वर्षा करती है। पश्चिमी घाट यहीं पर है,
लेकिन जो यहाँ पर है हवाएं समानांतर चली जाती हैं, पहुंचती हैं सीधे बंगाल की खाड़ी के ऊपर नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो वर्षा होती है लौटते हुए मानसून के माध्यम से होती है, हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो इसका जो सामान्य महीना होगा नवंबर दिसंबर, याद करना नहीं है, याद को कंसेप्ट पता है, आप आंसर कर ले जाओगे, आंसर डी। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है। कह रहा है कि जो मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है, सबसे जो सिंपल उसका कारण है तापमान में अंतर। यहाँ तापमान अधिक है, यहाँ तापमान कम है, इसके कारण यहाँ दाब कम है, यहाँ दाब अधिक है। तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी दाब, यहाँ क्या है हिंद महासागर और यहाँ क्या है भारत। तो भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है, एकदम सही बात है। दक्षिण भारत पहले पहुंचता है इसलिए मानसून का अधिकांश वर्षा की वहीं प्राप्त होती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। देखिए जो दूसरा आंसर है वो भी एब्सोल्युटली राइट है। यहाँ पर है आपको नॉर्थ ईस्ट, जब हवा यहाँ पहुँचती है तो अधिकतर वर्षा यहाँ पर, उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ और सबसे कम यहाँ। इसी तरह जब ये मानसून यहाँ से चलते हैं हवाएं, तो ये सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ यहाँ। तो इस तरह इधर से जाएंगे आप पूर्व से पश्चिम की ओर घटेंगे, इधर से जाएंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर घटेंगे। इसलिए सी इसका आंसर होगा, एक और दो दोनों सही बातें हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है, ये आईओडी से संबंधित है, इंडियन ओशन डाइपोल, ये यूपीएससी 2017 क्वेश्चन है। देखिए इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये आप पढ़ेंगे मेंस में भी और यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखिए जो भारत है और ये आपका है प्रशांत महासागर, यहाँ पर हो जाता है अलनीनो घटना से। आप देखते हैं यहाँ पर अलनीनो घटना कभी 4-5 साल में एक बार होता है, तो यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। तापमान जब बढ़ जाता है तो यहाँ पर हवा वायुदाब कम हो जाता है और यहाँ पर वायुदाब अधिक हो जाता है। समान रूप से जहाँ तापमान कम होता है तो हवाएं ऐसे चलती हैं। इस कारण से जो मानसून में क्या होती है, विसंगति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है। देखिए पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर, उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। देखिए कह रहा है उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर, देखिए ये आपका है हिंद महासागर और इसकी कह रहा है पश्चिमी इस साइड, और उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर, तो जो प्रशांत महासागर है उसका पूर्वी, यानी कि इधर बनाएंगे तो इधर बनेगा पूर्वी इसका, ठीक है। तो ये जो आईओडी होती है, इधर जो हिंद महासागर है इसका पूर्वी, तो ये ऐसे होता है, लेकिन यह पश्चिमी कह रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पहला गलत। दूसरा कह रहा है आईओडी परिघटना मानसून और एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है, तो ये एकदम सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी केवल दो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पूरा आईओडी के बारे में दिया गया है, जो मैंने बताया वही है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि अमृतसर और शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। देखिए ये बात सही कि अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन केवल अक्षांश से कारण नहीं है जलवायु की उपस्थित होने का, उसमें क्या है कई कारण होते हैं, हवाएं भी एक कारण है, वो कारण है ऊंचाई। तो उनमें जो है ऊंचाई का अंतर है, ठीक है ना, इसलिए उनकी जलवायु अलग अलग है। जितनी आप ऊंचाई पर जाते जाएंगे, आपको पता है 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 सेंटीग्रेड का तापमान कम होता है, यानी कि वहाँ के तापमान में कमी आ जाती है। तो देखिए इसके यहाँ पर जो है दोनों की ऊंचाई में अंतर है, इसलिए इनके तापमान में अंतर है। देखिए इसका जो आप डिस्कशन है आप इसको देख लीजिए, अमृतसर की ऊंचाई समुद्र तल से 768 है, जबकि शिमला 7866 है। तो लोग शिमला में जाते हैं, गर्मियों में भी सर्द पड़ती है, जितनी ज़्यादा ऊंचाई होगी वहाँ जो है तापमान कम होगा, इसलिए
वहाँ पर जो है जलवायु भी भिन्न रहेगी। और आपने सुना होगा शिमला जो है पर्यटन स्थल के लिए फेमस है, खास करके ग्रीष्म ऋतु के दिनों में। चलते हैं 18वां जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की जलवायु छत्तीसगढ़ राज्य में फैला पाया जाता है। ये आपका छत्तीसगढ़ स्पेशल क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। उपाद्र और तटीय, तटीय क्या, क्योंकि यहाँ से आती हैं हवाएं, उत्कल तट के आसपास टकराती हैं, वर्षा करती हैं। उपाद्र क्यों, क्योंकि सेमी ह्यूमिड होती हैं और तट में होती हैं, इसलिए उपाद्र और तटीय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा है कि निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से सबसे अधिक प्रभावित नहीं होता है। क्या लिखा है, शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है। देखिए पश्चिमी घाट तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और आप देखिए कि मध्य प्रदेश भी प्रभावित होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर से, कह रहा है नहीं, ये बंगाल की खाड़ी से प्रभावित होती है, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। दो शाखा है ना, अरब सागर की शाखा, बंगाली खाड़ी की शाखा, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, कौन सी जलवायु ह्यूमिड जलवायु का अनुभव होता है। देखिए जब आप अहमदाबाद देखेंगे ना, तो ये आपका यहाँ पर हवाएं सीधी निकल जाती हैं, तो यहाँ पर लगभग शुष्क जलवायु रहती है, इसलिए नहीं होगा। कोच्चि केरल में पड़ता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जलवायु एकदम आर्द्र रहती है, बहुत ज़्यादा आर्द्रता लिए होती है, क्योंकि यहाँ पर हिंद महासागर अवस्थित है। तेजपुर असम, असम में जो बंगाली खाड़ी की शाखा से वर्षा होती है, बंगाली खाड़ी से बहुत ज़्यादा आर्द्रता लिए रहता है, इसलिए 2 और 4 दोनों सही हैं। लुधियाना में तो हवा वर्षा बहुत कम पंजाब में होती है, और यहाँ पर स्थानीय प्रभाव या थोड़ी बहुत आर्द्रता के कारण वर्षा होती है, इसलिए आंसर 2 और 4 आंसर हो जाएगा इसका डी। चलते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। मानसून का निवर्तन इंगित होता है, निवर्तन मतलब मानसून का लौटना, ठीक है। जब मानसून लौटेगा इसका मतलब है वहां पर आकाश साफ होगा। आकाश साफ क्यों होगा, क्योंकि अब वहां पर जो है हवाएं उल्टा चलने लग रही हैं, वहां से हवा लौट कर अब दक्षिण की ओर आ रही हैं। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति, एकदम सही है, बंगाली खाड़ी में दाब अधिक होने लगता है क्योंकि तापमान कम हो रहा है और वर्षा भी ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर भी वर्षा का संकेंद्रण हो रहा है, दाब अधिक हो रहा है। स्थल पर तापमान बढ़ते हैं, ये तो श्योर है, यहाँ पर तापमान जो है, स्थल पर तापमान बढ़ने से, कह रहा है कि स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो वहाँ पर तापमान बढ़ने से हवाएं जो हैं, सॉरी हाँ, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, तो वहाँ पर देखिए अजीब तरह से सेंटेंस बनाया गया है, लेकिन इसका तीनों इसका सही है, ठीक है। आकाश साफ होता है, बंगाली खाड़ी में दाब अधिक होता है, और स्थल में जो है जब निवर्तन होता है तो वहाँ पर स्थल में तापमान बढ़ता है, जबकि जलीय क्षेत्रों में नहीं। इसका आंसर आप देखिए सी होगा, थोड़ा सा स्टेट पीछे से ऑप्शन ऐसा बनाते हैं कि कंफ्यूज हो जाना होता है। लिखा है कि जब उत्तरी भाग में मानसून लौटने लगता है, जब आप अक्टूबर में देखते हैं ना तापमान अचानक बढ़ जाता है, उसे कहते हैं अक्टूबर हीट, उसी समय होता है मानसून का निवर्तन, तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। आप देखिएगा आंसर 1, 2 और 3 इसका होगा। प्रम में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि देखी जाती है, मानसून के लौटते समय उत्तर पश्चिम में विस्तृत भाग में निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र की ओर बढ़ने लगता है, और इस समय आकाश साफ रहता है। देखिए जो 22वां क्वेश्चन है, आईएस 2015 में है, पूरे वर्ष 30 अंश नॉर्थ और 60 अंश साउथ, ये 0 अंश है, 30 अंश नॉर्थ और 60 अंश साउथ के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती हैं। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। पछुआ हवाएं क्या होती है, पछुआ हवाएं जब हम लोग हवाओं पढ़ेंगे, ये लगभग 30 अंश नॉर्थ और सॉरी 30 अंश 600 और 60 अंश 600 के मध्य बहती हैं, मेरी 30 और 45 अंश 600 के मध्य बहती हैं दोनों गोलार्ध पर, तो इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियाँ, संहति मान लो वायुओं का काफ़ी संग्रहण, मासेज लिखा, मॉइस्ट एयर मासेज, पछुआ हवाओं के भाग हैं, ठीक है। कह रहा है कि जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहितियाँ पछुआ हवाओं के भाग है, तो ये आपका आंसर है सही। तो पछुआ हवाएं हैं जो शीतकालीन वर्षा होती है, तो यहाँ से भूमध्य सागर की ओर से पछुआ हवाएं ऐसे ऐसे चलती हैं,
और यहाँ पंजाब के आसपास, दिल्ली के आसपास देखते हैं शीतकाल में वर्षा होती है, तो कहते हैं पश्चिमी डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हुई, तो पछुआ पवनों के प्रभाव से होती हैं। इसका आंसर केवल दो होगा। चलते हैं आगे, देखिए इसमें आंसर जो सी लिखा है, सी नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर केवल दो है। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो कि पछुआ हवाएं हैं। क्वेश्चन को सही से पढ़िए, पूरे वर्ष 30 अंश नार्थ और 60 अंश अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं। इस क्वेश्चन आया कह रहा है ऐसे 0 अंश इधर 30 अंश लेकिन इधर 60 अंश, और ये ऐसे बहती हैं, ऐसे नहीं है, यहाँ बीच में व्यापारिक पौने बहती हैं, इसलिए यहाँ पर ये आंसर केवल और केवल बी होगा। इसको आप यूपीएससी के आंसर की भी देख सकते हैं, यूपीएससी ने केवल बी माना है और ये पूरी तरह से तथ्य आधारित भी है, इसमें कोई कन्फ्यूजन का काम नहीं है, आंसर बी होगा इसका। चलते हैं आईटी सीजर की बात करता है, कहता है ये निम्न वायुदाब पेटी है, यहाँ पर जो है एकदम सही बात है, निम्न वायुदाब पेटी, क्योंकि तापमान बहुत ज़्यादा होता है, विषुवत रेखा क्षेत्र पाई जाती है, ठीक है, 0 अंश, 5 अंश, 5 अंश उत्तर और दक्षिण में। तो ये कह रहा कि व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, नहीं ये गलत है, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, ये भी गलत है, सॉरी इसमें पूरा नहीं आया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं आईटी सीजर नहीं आने दीजिए, जो इसका ऑप्शन रहे ये भूमध्य रेखा पर पाई जाती है, ठीक है ना, 0 अंश से 5 अंश उत्तर, 5 अंश दक्षिण की ओर, तो जहाँ पर ऑप्शन रहे तो आईटी सीजर भूमध्य रेखा पर स्थित एक पट्टी है जो 5 अंश अक्षांश उत्तर, 5 अंश अक्षांश दक्षिण के मध्य में विस्तृत है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोगों का ये चैप्टर जो था आपका मानसून वाला यहीं पर समाप्त होता है, हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वर्षा के बारे में अगले लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू फॉर डिस्कशन।